नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और मैं हूं ललित जांगिट। पेश है झालावाड़ और मालवा अंचल की खबरें। चौमहला में जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक संपन्न हुई। बैठक नागेश्वर तीर्थ पेड़ी में जार के जिला अध्यक्ष भंवर सिंह कुशवाहा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक के दौरान जार समिति सदस्यों को प्रदेश अध्यक्ष द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति के संरक्षक रणवीर सिंह चौहान और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य दिलीप जैन द्वारा की गई। बैठक के दौरान सभी सदस्यों से पत्रकारों के हितों को लेकर चर्चा हुई। गंगधार तहसील अध्यक्ष पद पर ओम सोनी, डक तहसील अध्यक्ष पद पर रमेश व्यास, पचपहाड़ तहसील अध्यक्ष पद पर दिलीप श्रृंगी और भवानी मंडी नगर अध्यक्ष पद पर लोकेश मकवाना को मनोनीत किया गया। इस दौरान रणवीर सिंह चौहान, भंवर सिंह कुशवाहा, नितेश शर्मा, यशोवर्धन शर्मा, दिलीप जैन, सुरेश सिंह, मनोज जैन, संजय राठौर, सुरेश खमोरा, मुकेश पोरवाल, तूफान सिंह, राहुल रावल, संजय जैन, रमेश मोदी, कमल सिंह, किशोर विश्वकर्मा, राधेश्याम राठौर, रमेश व्यास, जितेंद्र पंवार, दिनेश विश्वकर्मा, पारस जैन, कलीम भाई, शुभम पोरवाल, अतुल प्रधान, राधेश्याम प्रजापति समेत कई पत्रकार मौजूद रहे। लगातार कई वर्षों से ये तीसरी चौथी बार मुझे भाई साहब के निधन कर पूरा झालावाड़ जिला आ जाता है। संगठन की बात होती है उस समय के लिए लिट्टू भाई संगठन की हम बात कर लेते हैं, उसके बाद अपनी नैतिकता और दैनिकता भूल जाता है कि हम संगठन को मजबूत कैसे करें। पूर्व में भी मैंने दो साल पहले जब मीटिंग हुई थी तो ये कहा था कि ये मीटिंग रखने का मेन जो मोटिव है, जो मेन है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि हम लगातार एक महीने में हमारी जनरल मीटिंग अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। खानपुर पखराना में झालावाड़ से आई टीम ने बच्चों और गांव वालों को चाइल्ड हेल्पलाइन सेंटर के बारे में जानकारी दी। लोकेश पाटीदार, पवन नागर और हरिओम शर्मा ने बताया, गुमशुदा, शोषित, घर से भागे और तस्करी के काम में लगे हुए खराब हालत में पड़े हुए बच्चे किसी भी प्रकार की सहायता के लिए भारत सरकार के टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल कर सकते हैं। अगर किसी को भी ऐसे बच्चे कहीं पर भी दिखें तो 1098 पर कॉल कर सकते हैं। चल रहा है जो कि आज हम इस गांव के माध्यम से बच्चों को और यहाँ के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनको दिखाना है कि 1098 एक टोल फ्री नंबर है जो पूरी सेवा चल रहा है। इसमें गुमशुदा बच्चे, घोषित बच्चे, घर से भागे, तस्करी गए, ऐसे काम में लगे कारखानों में या किसी के माता पिता नहीं है, इन ऐसे बच्चे इनके लिए टोल फ्री नंबर है 1098। इस पर फ़ोन करने से हमारी टीम आएगी और बच्चे से मिलेगी, जो भी समस्या होगी उसका समाधान करेगी। जैसे कि बाल विवाह है, कहीं बच्चा किसी दुकान पर काम कर रहा है, पढ़ लिख नहीं पा रहा है, उसको भी हम मदद पूरी मदद देते हैं। ये 24 घंटे चलने वाला है। मंदसौर सरकार के कृषि कानूनों और बढ़ती महंगाई के विरोध में शनिवार को देश भर में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। मंदसौर जिले में भी ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं बैलगाड़ी रैली निकालकर महंगाई और कृषि अध्यादेश का विरोध किया। शहर के जिला कांग्रेस कार्यालय गांधी चौराहे पर सभी कांग्रेसियों ने इकट्ठा होकर केंद्र सरकार की नीतियों को गलत बताते हुए सरकार की खामियां गिनाई। अपने भाषण में कांग्रेस नेता मोदी सरकार पर जमकर बरसे। और अब समाचार गरोड़ से। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी गरोड़ द्वारा प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर देश के किसानों के शोषण और केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली के विरोध में प्रदर्शन हुए। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने के खिलाफ सैकड़ों कांग्रेसजनों ने धरना दिया और महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा। साथ ही युवा कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया। पुतले को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प भी हुई। प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश भर में और मंदसौर जिले के समस्त ब्लॉकों में आज दिल्ली में जो 22-23 दिन से जो किसान दिल्ली को घेरे हुए 1.5-2 लाख किसान और 22 किसान
इस कड़कड़ाती ठंड में मर गए, उनके समर्थन में धरना था कि मोदी जी की सरकार उनकी बात सुने। आखिर किसान क्यों 22 दिन से इस कड़कड़ाती ठंड में 23 दिन से बैठे हुए हैं और 22 किसान मर गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज्ञापन दिया गया, क्या कहना है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आज जो अपना मंसूर शहर में गांधी चौराहे से एक रैली निकालकर कोतवाली थाने पर ज्ञापन दिया गया है कृषि कानूनों के विरोध में, तो उक्त ज्ञापन माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को प्रेषित किया जाए। हाँ सर, महिलाओं ने आपको एक ज्ञापन के साथ ही उनके द्वारा महंगाई के संबंध में कुछ प्रोडक्ट ये भेंट किए गए हैं, तो वो भी संबंधित को भेंट करा सर। भवानी मंडी पंचायत समिति के घटोत गांव में जयपुर विद्युत वितरण निगम के 11 केवी जीएसएस के ठेका कर्मी की एक खेत पर नया ट्रांसफार्मर लगाते समय मौत हो गई। ग्रामीणों ने मृतक के पोस्टमार्टम के बाद मुआवजे की मांग को लेकर शव को मोर्चरी से नहीं उठाया। वहीं विधायक कालूराम मेघवाल ने भी 10 लाख रुपये का मुआवजा नहीं देने की घोषणा तक शव को नहीं उठाने की बात कही। कोटड़ी गांव निवासी ठेका कर्मी बंशीलाल पुत्र उदयलाल ने बताया कि शनिवार दोपहर को 3:30 बजे वो स्वयं और उसका साथी कैलाश पुत्र कंवरलाल भील एक खेत पर विद्युत लाइन का शटडाउन लेकर नया ट्रांसफार्मर लगा रहे थे, तभी दोनों को अचानक करंट का झटका लगा और कैलाश नीचे गिर गया, जिससे वो मौके पर ही अचेत हो गया, जिसे CHC भवानी मंडी लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर की मेडिकल टीम से करवाया गया। ठेका कर्मी की मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही लग पाएगा। वहीं ग्रामीणों को ठेका कर्मी की मौत की सूचना मिलने पर सभी मोर्चरी में पहुंच गए, जहां उपखंड अधिकारी राम प्रकाश से मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलाने की मांग करने लगे। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने घटोत GSS कनिष्ठ अभियंता मधुबाला सिन्हा और मानवेंद्र सिंह से घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस उपाधीक्षक गोपीचंद मीणा, CI महावीर सिंह यादव, तहसीलदार राजेंद्र मीणा ने भी मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की, लेकिन ग्रामीण नहीं माने, जिसके चलते मोर्चरी के बाहर रात को 7 बजे तक ग्रामीणों का जमावड़ा लगा रहा। बाद में 7 बजे विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता नवीन श्रीवास्तव पहुंचे, जिनसे मुआवजे को लेकर अधिकारियों की चर्चा समाचार प्रसारित किए जाने तक जारी रही। वहाँ पे हम तार वो डिप्पी चढ़ा रहे थे, नहीं वहाँ पे एक हम तो एक तार मेरे हाथ में था, एक इन्होंने जोड़ दिया था, एक तार इनके पास में हाथ में था, ऐसे ही लाइट चालू आएगी नहीं, हल्का सा जनरेटर मेरे भी लगा, मैं कूद गया नहीं, वो एकदम ये ऑटो में गिर गया, ऑटो में गिरते थोड़ी देर हुई, उल्टी उल्टी ऐसे जर्दा उर्दा निकला बाहर, मैं सो गए सुना दी ऑटो बस किसी देर हुई। इनकी क्या मतलब मौके पर मौत हो गई थी? मौके पर नहीं, 5-10 मिनट बाद भाई मौके पे मौत हो गई ना। खानपुर पंचायत समिति क्षेत्र की उप प्रधान संतोष सुमन आज अपने निर्वाचन क्षेत्र खंडी पिपलाज पंचायत पहुंची, जहां पर ग्रामीण महिलाओं ने झूम झूम कर नृत्य किया। भाजपा मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश सुमन ने बताया कि पिपलाज पंचायत के उप प्रधान को अपने बीच पाकर ग्रामीणों के चेहरे खिल उठे, उन्होंने फूल मालाओं और गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। उन्होंने गांव में पेयजल और सड़क की समस्या का जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। इस मौके पर प्रयास फाउंडेशन और चेयरमैन महावीर गौतम, सरपंच ओम प्रकाश सहित BJP पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। मंदसौर जिले के चौकी ग्राम पंचायत के आकी गांव में लंबे समय से लोगों ने रास्ता रोककर पानी का निकास बंद कर रखा था। कई बार गाँव वालों ने सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल गुर्जर को अवगत कराया। सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल गुर्जर, नायब तहसीलदार पटवारी फूलचंद जजावरा और भैसोदा मंडी पुलिस ने लोगों के अतिक्रमण को JCB की मदद से हटवाकर रास्ता सही करवाया। सरपंच प्रतिनिधि मांगीलाल गुर्जर ने बताया कि कई दिनों से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा था, जो गैरकानूनी था। बरसात में पानी निकलने का रास्ता नहीं था और इससे ग्रामवासियों को निकलने में बहुत ही परेशानी हो रही थी। आज के समाचारों में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात और समाचारों के साथ। नमस्कार। रॉयल रेजिडेंसी विला का शुभारंभ अतिशीघ्र आपके शहर में।
प्रॉप राइटर राजा बाबू, जिनका मोबाइल नंबर है 9602343388। अजय चौधरी, जिनका मोबाइल नंबर है 9414489343। हमारा पता है शिवधाम आवासीय कॉलोनी बाजोट रेस्टोरेंट के सामने भवानी मंडी, चौधरी ब्रदर्स मेला मैदान के पीछे भवानी मंडी। अन्नपूर्णा हॉस्पिटल फिजियोथेरेपी एवं स्लिमिंग सेंटर, डॉक्टर दीपक वाधवा न्यूरोसर्जन कोटा हार्ट एवं श्रीजी हॉस्पिटल कोटा, प्रत्येक माह के दूसरे रविवार। डॉक्टर दीपक खंडेलवाल अस्थि रोग एवं ऑर्थोस्कोपी, मैत्री हॉस्पिटल एवं अंजने ऑर्थो एंड गायनिक केयर कोटा। डॉक्टर श्रुति खंडेलवाल प्रसूति स्त्री रोग एवं निसंतानता रोग विशेषज्ञ, गायनिक लेप्रोस्कोपिक सर्जन, मैत्री हॉस्पिटल एवं अंजने ऑर्थो एंड गायनिक केयर कोटा। डॉक्टर सुभाष जैन बाल रोग विशेषज्ञ, अहमदाबाद से ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन की सुविधा प्रतिदिन उपलब्ध। डॉक्टर विनीत जैन नाक कान एवं गला रोग सर्जन, महावीर ईएनटी हॉस्पिटल कोटा, कानों से कम सुनने वालों की जांच एवं मशीनों की पूर्ण व्यवस्था हर सप्ताह, माह के प्रत्येक पहले व तीसरे रविवार। डॉक्टर अभिनव सोनी स्पाइन सर्जन, पूर्वानुभव मुख्य स्पाइन सर्जन, मेवाड़ हॉस्पिटल उदयपुर, मेवाड़ हॉस्पिटल कोटा, प्रत्येक माह के दूसरे व चौथे बुधवार। डॉक्टर सुभाष चंद आर्य ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट, आकांक्षा ऑर्थोपेडिक सेंटर, मैत्री हॉस्पिटल एवं आयुष फिटनेस कोटा। दर्द से हताश रोगियों के लिए नई आशा, क्या आप बीमारी का इलाज करवाते थक चुके हैं? क्या आप दवा खाते खाते परेशान हैं? तो निम्न रोगों का फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरेपी व एक्सरसाइज IAS TM विदेशी तकनीक द्वारा बिना दुष्प्रभाव के इलाज। जोड़ों का दर्द व गठिया, कोहनी में दर्द टेनिस एल्बो, एड़ी में दर्द प्लैंटर फैसिटिस, हाथ पैरों में कंपन एवं सूनापन, घुटने का दर्द ऑर्थोराइटिस, रीढ़ की हड्डी का टेढ़ापन, घुटने में दर्द एवं बढ़ते हुए वजन का इलाज साथ साथ, गर्दन में दर्द, जकड़न, चक्कर आना, फ्रैक्चर एवं सर्जरी के बाद जकड़न स्टिफनेस्टिस, मांसपेशियों में खिंचाव स्प्रेन स्ट्रेन, कंधों का जाम व दर्द फ्रोजन शोल्डर, लिगामेंट की चोट व दर्द, कमर में दर्द लो बैक पेन स्लिप डिस्क PIVD, चेहरे का लकवा फेसियल पॉल्सी, पार्किंसंस लिखते समय हाथ का कांपना, प्रेगनेंसी के पहले और बाद फिजियोथेरेपी, साइटिका कमर से पंजे तक दर्द, लकवे का सफल इलाज, भौतिक चिकित्सा से तुरंत इलाज प्रारंभ करने पर पूर्ण स्वास्थ्य लाभ, THR एंड TKR घुटना प्रत्यारोपण के बाद घर पर भी फिजियोथेरेपी इलाज की सुविधा, भर्ती सुविधा उपलब्ध, 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं, कंप्यूटराइज्ड लैबोरेटरी, मेडिकल स्टोर, डिजिटल एक्सरे। भवानी मंडी की डायबिटीज मरीजों के लिए प्रातः 6 बजे से सैंपल फास्टिंग की सुविधा उपलब्ध, साथ ही अत्याधुनिक मशीनों द्वारा समस्त प्रकार के जांचों की सुविधा भी उपलब्ध। नोट, घर जाकर जांचों के सैंपल लेने तथा ऑनलाइन परामर्श की सुविधा भी उपलब्ध। अन्नपूर्णा टेली हॉस्पिटल और टेम हेल्थ अ स्मार्ट क्लिनिक, गुजरात के अनुभवी एवं सुयोग्य चिकित्सा विशेषज्ञ आपके भवानी मंडी में। विशेषज्ञ डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन हड्डी रोग विशेषज्ञ, कार्डियोलॉजिस्ट हृदय रोग विशेषज्ञ, गैस्ट्रोलॉजिस्ट पेट रोग विशेषज्ञ, डायबिटोलॉजिस्ट मधुमेह रोग विशेषज्ञ, डर्मेटोलॉजिस्ट त्वचा एवं यौन रोग विशेषज्ञ,
ऑनको फिजिशियन, कैंसर रोग विशेषज्ञ, प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जरी के विशेषज्ञ, न्यूरोलॉजिस्ट, दिमाग के ज्ञान तंतु के विशेषज्ञ, ईएनटी, कान नाक गले के विशेषज्ञ, एंड्रोकिनोलॉजिस्ट, अंतःस्रावी थायराइड ग्रंथि के विशेषज्ञ, यूरोलॉजिस्ट, किडनी और मूत्र मार्ग के विशेषज्ञ, एमडी मेडिसिन, हाई ब्लड प्रेशर आदि विभिन्न रोग विशेषज्ञ, ईसीजी, कार्डियोग्राफ की विशेष सुविधा भी यहां उपलब्ध है, ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। अन्नपूर्णा हॉस्पिटल फिजियोथेरेपी एवं स्लिमिंग सेंटर, डॉक्टर नवीन नागर, पीटी, भवानी मंडी में महिलाओं हेतु एकमात्र स्लिमिंग सेंटर, अत्याधुनिक मशीनों द्वारा व्यायाम एवं डाइट प्लान द्वारा वजन को नियंत्रित कर कम करना, किसी भी तरह का साइड इफेक्ट नहीं, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय, विशेष कैविटेशन मशीन द्वारा कमर की साइज मात्र 7 दिनों में 2 इंच कम करना, समय प्रातः 9 बजे से साय 9 बजे तक। हमारा मोबाइल नंबर है 9636257606, 8094776606। हमारे यहाँ अन्य उपलब्ध मशीनें ट्विस्टर एंड डंबल, बॉडी शेयर, डीप हीट ट्रेडमिल, वॉकर, वैक्यूम सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक साइकिल, जुम्बा क्लासेस, एरोबिक्स क्लासेस, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए अलग अलग समय। अन्नपूर्णा हॉस्पिटल, हमारा पता है मगन भाई कॉलोनी, ज्ञान मंदिर सिनेमा रोड, भवानी मंडी, जिला झालावाड़। हमारा मोबाइल नंबर है 9636257606, 8094776606। श्यामगढ़ का प्रथम ISO मान्यता प्राप्त क्लिनिक, आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, न्यूरोथेरेपी सेंटर श्यामगढ़, डॉक्टर के पाटीदार, BHMS MD, पूर्व चिकित्सक डॉक्टर AT हार्ट हॉस्पिटल मुंबई, आरोग्य मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई, जिनका मोबाइल नंबर है 9406686663, डॉक्टर राम पवार MPT, राहुल प्रधान ट्रेनर, जिनका मोबाइल नंबर है 9799722021, समय प्रातः 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक। क्या आप इन बीमारियों से पीड़ित हैं? सिर दर्द व चक्कर आना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों से अंगुलियों तक सुन्न रहना, कंधों का जाम होना, लकवा तथा चेहरे का लकवा, कमर में दर्द व छल्ले का खिसकना और नसों में दबाव, कुल्हे का दर्द व साइटिका, घुटने का दर्द, सूजन, पैरों की नसों में खिंचाव व सुन्नपन, एड़ी का दर्द। हमारे यहाँ उपलब्ध सुविधाएं न्यूरोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, एक्यूपंचर, ब्लड कंपिंग, वैक्यूम कंपिंग, हॉट कंपिंग, अग्निकर्म, पंचकर्म। मंदसौर जिले का पहला सर्व सुविधा युक्त न्यूरोथेरेपी सेंटर। कमर, गर्दन एवं जोड़ों के दर्द की समस्याएं, पैरों व हाथ में झुनझुनी तथा सुन्नपन, साइटिका, लकवा, कंधे जाम, घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द। नोट, घुटने व कमर दर्द के मरीज जिन्हें ऑपरेशन करने की सलाह दी गई है, वो पहले एक बार अवश्य संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 7828718608, 9672145722। आशीर्वाद मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक, हमारा पता है नीम चौक मेन रोड श्यामगढ़, जिला मंदसौर। हमारा मोबाइल नंबर है 0940668663।